वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दिस इज मयंक राजेश एंड यू आर वॉचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, वी आर डूइंग स्टडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री साउथ इंडिया एंड इन दिस सेगमेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द संगम पीरियड या संगम काल जिसको कहते हैं। और पिछले वीडियो में हमने इसको शुरू किया था और उसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया था संगम पीरियड के बारे में, उसके टाइम पीरियड के बारे में। तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली जो संगम क्या था, मैंने ये बताया था पहले कि संगम जो है वो गोष्ठियाँ होती थी तमिल कवियों की, उसी को संगम कहा जाता था, ठीक है। और टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया था कि ये टाइम पीरियड जो है वो लगभग वही है जब आप मौर्यंस को देखते हैं इस एरिया में, हाँ, और फिर मौर्यंस के बाद आप देखते हैं किसे, पोस्ट मौर्यंस को, उसी समय ये कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के साउथ में आप देखते हैं तीन डायनेस्टीज को, चेरों को, पांड्यों को और चोला को। इन्हीं तीन डायनेस्टीज के बारे में जानकारी मिलती है संगम लिटरेचर से, ये मैंने बताया था, ठीक है, संगम लिटरेचर से। डीप साउथ में ये है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ये टाइम पीरियड जो इसका है रफली देखा जाता है 300 बीसी टू 300 एडी तक का। और ये जो समय है इसके बारे में जानकारी जो मिलती है वो लिटरेचर से मिलती है, तमिल लिटरेचर से। और ये तमिल लिटरेचर 100 टू 300 एडी के बीच में लिखे गए हैं, कहीं कहीं 100 टू 250 एडी भी देता है। देखिए, एक बात जान लीजिए, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जहां यह भी कहा जाएगा कि कुछ बुक्स जो हैं वो जो एपिक्स जैसे शिल्पाधिकारम, अभी मैं बताऊंगा, ये 600 एडी के अराउंड लिखे गए हैं। हाँ, कुछ तमिल कॉमेंट्स है उसमें कहा जाता है कि 9990 सालों तक ये चला है। तो इस ये जो है, हम तो रफली देख रहे हैं कि 300 बीसी से 300 एडी, ये तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। हाँ, तो इसलिए जो संगम पीरियड है इसके टाइम पीरियड पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। अलग अलग इंफॉर्मेशन है, कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो रफली हमने एक बता दिया था कि 300 बीसी टू 300 एडी तक का ये टाइम पीरियड लिया जाता है। और यही टाइम पीरियड जो है ये इधर मौर्यन का है और बाद में पोस्ट मौर्यंस का है, ठीक है। और संगम डायनेस्टी जो है वो डीप साउथ में थी। तीन डायनेस्टीज इसमें संगम पीरियड में तीन डायनेस्टीज को आप देखेंगे, हाँ, डीप साउथ में। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये केरल वाला पार्ट है जिसे हम चेर या चेरा कहते हैं। ये लाल वाला पार्ट जो है ये पांडे हैं, और इधर ब्लू या ब्लैक जो भी दिखाई दे रहा होगा ये चोल है, ठीक है। ये केरल का पार्ट है और कुछ तमिलनाडु का भी पार्ट आ जाएगा, मुख्यतः केरल होगा। और ये नीचे आपको तमिलनाडु है पांड्या का, और ये भी तमिलनाडु है चोला का। तो ये मैंने आपको बता दिया था, इसलिए टाइम पीरियड को लेके आप चिंतित मत रहिएगा। बहुत जगह एग्जैजरेशन भी दिया हुआ है, हमें बस मुद्दे की बात करनी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो हमने देखिए बताया था कि इस वीडियो में, आज के वीडियो में, मैंने पहले भी बताया था कि हम लिटरेचर पे बात करेंगे, संगम साहित्य पे बात करेंगे। पिछले बार तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया था, हाँ, और वहाँ हमने ये बता दिया था कि संगम क्या था। तो ये असेंबली थी, हाँ, सभा थी या गोष्ठी कह सकते हैं, ये तमिल पोएट्स की गोष्ठी होती थी, ठीक है। और ऐसे तीन संगम मदुराई में, कपाटपुरम में और नॉर्थ मदुराई में ये ऑर्गेनाइज किए गए थे। इन संगमों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, हाँ, ये इरयनार इगप्पोरूल है, यही इन्फॉर्मेशन, इन्हीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये एक तमिल स्कॉलर हैं, आप कह सकते हैं इनको एक तमिल स्कॉलर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कौन थे भाई, तो ये एक तमिल स्कॉलर है। स्कॉलर हैं, उन्हीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलता है इन संगमों के बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसने ये इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्फो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्फो, इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं, कहीं अगर पूछ दे, हाँ,
तो इसको ध्यान में रखना है। तो हमने ये बताया था कि जो संगम पीरियड के बारे में, इन तीन डायनेस्टीज़ के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो तमिल लिटरेचर से मिलेगी, और इसी लिटरेचर को हम संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं। संगम, ऐसे तीन संगम हुए, हाँ, जो संगम तमिल पोइट्स के होते थे, तीन संगम हुए मदुराई में, फिर दूसरा, पहला संगम हुआ मदुराई में, दूसरा हुआ कपाटपुरम में, और तीसरा जो है ये नॉर्दर्न मदुराई में। तो ये तीन संगम हुए थे, ठीक है। और इन संगमों में आप देखेंगे कि इसके चेयरमैन या अध्यक्ष या प्रेसिडेंट जो भी कहें, अगस्त ऋषि थे, इसके तोलका पियार थे, और इसके नक्कीर थे। ये मैंने पिछले वीडियो में लिखवा दिया था। ये भी बता दिया था कि यहाँ जो भी यहाँ ये जो पहला संगम हुआ, इस संगम में कहा जाता है कि गॉड्स और इम्पॉर्टेंट सेंट्स, साधुओं ने, साधु संतों ने और भग देवताओं ने भाग लिया था। इसका कोई लिटरेचर नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ एक लिटरेचर बचा, तोलका पियम, और यहाँ पर जो संगम हुआ यही के कुछ लिटरेचर हैं जिनके आधार पे हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके अलावा कुछ मेगास्थनीज की इंडिका में भी जानकारी है, कुछ और भी ग्रीक राइटर्स हैं, प्लिनी, स्ट्रेबो, अशोक के इंस्क्रिप्शंस में भी है, तो वो सब भी हमने पिछले वीडियो में लिखवा दिया था आपको, ठीक है। तो संगम के बारे में हम इतना जान गए, ठीक है। तो तीसरे संगम में ही जो नॉर्दर्न मदुराई में हुआ, वहीं के कुछ लिटरेचर बचे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये चेपाचो, चेपाचो मैंने पिछले बारे में, चेर, पांड्या और चोला, ठीक है, चेर, पांड्या और चोला मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको, ठीक है। और ये जो लिटरेचर है ये देखेंगे तो इस लिटरेचर में लव स्टोरी मिलेगी और प्रशंसा या युद्ध के बारे में जानकारी मिलेगी। तो जो लव स्टोरी वाली, लव स्टोरी वाला जो साहित्य होगा उसे कहीं अहम लिखा हुआ मिलेगा, कहीं अगम लिखा हुआ मिलेगा, और वार या प्रेज वाला जो मिलेगा उसे पूरम कहा जाता था, याद रखिए, पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। अहम या अगम लव स्टोरी होगी, और पूरम वार या राजाओं की प्रशंसा से रिलेटेड, प्रेज मतलब प्रशंसा, अप्रिसिएशन, तो उससे रिलेटेड ये स्टोरीज होंगी यहां पर। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे, संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर भी अगर देखेंगे तो मुख्यतः आप देखेंगे तो तीन प्रकार के, मुख्यतः तो दो प्रकार के, ठीक है। एक तो महाकाव्य है, एपिक्स, महाकाव्य, इसको आप लिख सकते हैं महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य, इनको आप कह दीजिए महाकाव्य, और अन्य ग्रंथ, अदर्श में। तो अदर्श में पहले आप महाकाव्य देखिए, तो महाकाव्य में शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकेशी, ये आपको पांच महाकाव्य हैं जिसमें से इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो हमें जानकारी इन्हीं तीनों के बारे में लेनी है। उसके अलावा अदर्श में देखिए, मैंने क्या बताया कि जो तीसरा संगम हुआ मदुराई में, ठीक है, ये मदुराई में जो संगम हुआ, इसी संगम में कुछ लिटरेचर बचे, इसी संगम के कुछ लिटरेचर बचे हैं। उसमें से देखिए दो तरह के लिटरेचर होंगे, मेलकंकु और किलकंकु। हालांकि इसके बारे में खाली आपको शब्द जानना है, मेलकंकु और किलकंकु, अगर अब मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको सुविधा हो। देखिए इसको कहेंगे मेलकंकु, मेलकंकु, और इसको कहेंगे किलकंकु, ठीक है। तो दो तरह के आपको मिलेंगे यहां पर अदर्श में, एपिक्स के अलावा। अब एपिक्स महाकाव्य हो गया, यहां पर मेलकंकु में को कहते हैं एक तरह से, देखिए मेजर, 18 मेजर वर्क्स में ये आते हैं, मेलकंकु में 18 मेजर वर्क्स या 18 ग्रेटर टेक्स्ट इनको बोलते हैं, वृहत ग्रंथ इनको कहेंगे। इनको एक कैटेगरी दिया गया है नैरेटिव, ठीक है, मेलकंकु नैरेटिव है, और इसमें क्या है 18 मेजर वर्क्स हैं। 18 मेजर वर्क्स में आप देखिए 8 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, 8 जो हैं ये जो मैंने लिखा हुआ है, इन्हें एतत्तु तोगई बोलते हैं, एतत्तु तोगई, ठीक है, बहुत टेढ़े टेढ़े नाम है, इसको बस एक बार जान लीजिए कि कहीं अगर आ जाए तो आपको अननोन ना लगे, अपरिचित ना लगे। हालांकि इससे सवाल बनेगा नहीं, सवाल यहां से बनेगा, एक दो कुछ और
मैं बताऊंगा, वहां से आपका सवाल बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये आठ जो है, ये आठ ए तत्तु तोगई जो है, जिनको ए तत्तु तोगई कहते हैं, ये 18 मेजर वर्क्स में आठ ही आ गए, तो आपको हर किताब में इनके नाम मिल जाएंगे। तो कम से कम आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है 18 मेजर वर्क के पार्ट हैं, या 18 ग्रेटर टेक्स्ट यानी वृहत ग्रंथ के पार्ट हैं, ठीक है। तो नंडी नई, क्रुंधो कई, एनगू एनगु रुनूर, देखिए नाम टेढ़े टेढ़े हैं, और आपको हर किताब में थोड़ा अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन या लिखा हुआ मिलेगा, थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा, लेकिन आप पकड़ लेंगे कि यही चीज लिखा हुआ है। नंडी नई, क्रुंधो कई, एनगुरुनूर, पदितुत पत्तु, ठीक है, परिपादल, करितो गोई, एहनारुरु पूर्णानुरु, ये आठ है, ठीक है। और आठ के अलावा 10 जो है इडिल्स कहे जाते हैं, ग्राम में गीत कहे जाते हैं, जो भी कह ले, या कविताएं कही जाती हैं, वो भी हैं। और तो इनको कहा जाता है पट्टू पट्टू, देखिए पट्टू पट्टू या 10 इडल्स इनको कहा जाएगा। तो ये मेजर में है, बस आपको ये नाम जानना, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, खाली नाम जान लीजिए कि ये जो है इन्हें एतत्तु तोगई कहते हैं, ये भी पूछेगा नहीं आपसे, खाली ये आप जाने रहिए, क्योंकि हर किताब में आपको मिलेगा, तो वहां पर आपको कम से कम ये ना लगे कि हम पहली बार सुन रहे हैं। तो 18 मेजर वर्क्स या आप 18 ग्रेटर टेक्स्ट में ये जो है आठ, ये प्रमुख हैं, ठीक है। ये मेल कंकु पार्ट में है, आपको बस ये जानना जरूरी है कि कहीं अगर पूछ दे कि मेल कंकु किस साहित्य से रिलेटेड है, तो आपको देना पड़ेगा कि मेल कंकु तमिल साहित्य से रिलेटेड है, ठीक है ना, या किल कंकु किस साहित्य से रिलेटेड है, तो मेल कंकु हो या किल कंकु हो, ये तमिल साहित्य से रिलेटेड है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं कि तमिल पोएट्स का ये असेंबली या सभा होता था, संगम जिसको कहते थे। उसी तरह से किल कंकु, जिनको हम डिडेक्टिक कहते हैं, डिडेक्टिक का मतलब, देखिए ये आख्यानात्मक कहा जाएगा, एक्सप्लेनेटरी, डिडेक्टिक का मतलब एजुकेटिव, एनलाइटेनिंग, ठीक है। तो इसको मेल पूछ दे कहीं मेल कंकु को क्या माना गया है, तो नरेटिव आपको आर्य शर्मा मिल जाएगा, और किल कंकु को क्या कहा गया है, तो डिडेक्टिक। हाँ, तो ये आपको जानना चाहिए। और इसमें क्या है, देखिए मेल कंकु 18 मेजर वर्क्स या 18 मेजर टेक्स्ट है, तो यहां पर 18 माइनर यानी कि लघु ग्रंथ है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे तिरुकुराल या कुराल को, जो जिसे कि बाइबिल कहा जाता है, ठीक है, तमिल ग्रंथों का बाइबिल कहा जाएगा। तो ये अभी हम देखेंगे, ये प्रमुख ग्रंथ है। तो यहां हम जो देखेंगे ना, तो समझ जाइए कि हम जो देखेंगे इसमें से ये तीन अभी देखने वाले हैं, और कुछ अदर जिसमें कि हम देख लेंगे, एक त्रिपुराल है और एक दो और है, तो उनको हम देख लेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा। इनको बस नाम जानना है, बस आप जानिए कि यहां पर इस साहित्य में, संगम साहित्य में, एक तो एपिक्स मिलेंगे, महाकाव्य मिलेंगे, और अदर्स में मेल कंकु और किल कंकु के रूप में देखे जाते हैं। तो मेल कंकु जो होता है वो नरेटिव होता है, किल कंकु डिडेक्टिक होता है। मेल कंकु जो है 18 मेजर वर्क्स इनको माना जाता है, ये जो है 18 मेजर वर्क्स हैं या 18 ग्रेटर टेक्स्ट हैं, वृहत कथा है, ठीक है, वृहत ग्रंथ है, और ये 18 माइनर यानी 18 लघु ग्रंथ है, ठीक है। तो ये बस आपको देखना है, हम एक ये तीन देखेंगे और अदर्स में मिला के देख लेंगे। अब ये नहीं पूछेगा कि ये मेल कंकु है कि किल कंकु है, ये नहीं पूछने वाला है। तो अदर्स में हम दो तीन या चार को हम देखेंगे अदर्स में भी, और तीन यहां देखेंगे, आपका संगम साहित्य खत्म हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, ये संगम साहित्य जो है ऑर्गेनाइज कौन कराता था, मैंने बताया था, ये पांडे ही ऑर्गेनाइज कराते थे, सबसे रिच थे, मैंने बताया भी था, ये संगम साहित्य जो ऑर्गेनाइज कराएंगे ये पांडे कराएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिच माना जाता था धनी पांड्या, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे, तो इस साहित्य के बाद हम लोग आएंगे, तो अलग अलग हम इनको भी देखेंगे, चेरों के बारे में पढ़ेंगे, पांड्यों के बारे में पढ़ेंगे, चोलास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये साहित्य के बारे में जब जान लेते हैं उसके बाद, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनाइजर कौन, ये जो संगम आयोजित होते थे, असेंबली गोष्ठी जो आयोजित होती थी, इसके ऑर्गेनाइजर कौन होते थे, तो पांडे थे, यानी रॉयल पैटर्नेज या संरक्षण किसका था, तो पांडेयों का था, और पैसा इनके पास सबसे ज्यादा था, तो यही ऑर्गेनाइज करते थे। तो तीनों संगम जो है यही ऑर्गेनाइज करेंगे, तो इसलिए एग्जाम में अगर आ जाए कि
कौन ऑर्गेनाइजर था, कौन ऑर्गेनाइज करता था, कौन संरक्षण देता था इन संगमों को, या रॉयल पैट्रनेज किसका था इन संगमों को, तो आप कहेंगे पांडे। हाँ, पांडे देते थे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सवाल बन जाएगा, यहां से सवाल बनेगा, ठीक है। ये तो मैं बता ही चुका हूं, ये एक सवाल बन सकता है, यहां से पूछा जा सकता है कि अहम या अगम क्या था, लव स्टोरी था, किस तरह का स्टोरी था, या पुरम किस तरह का स्टोरी था। तो वार और प्रशंसा से रिलेटेड, यानी युद्ध और प्रशंसा से रिलेटेड पुरम, और अहम या अगम लव स्टोरी यानी प्रेम कथाएं या प्रेम से रिलेटेड पोएट्री, जो भी है लिटरेचर है वो होगा। तो मुख्य रूप से हम ये तीन देखते हैं, और फिर यहां अदर्स में दो तीन और देखेंगे, हमारा संगम लिटरेचर खत्म हो जाएगा। तो ये सब बस आपको एक बार अपरिचित ना लगे, इसे कोई सवाल नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं आएगा। हाँ, ये बस आपको ये हर किताब में मिलेगा, तो एक बार अपरिचित ना लगे, इसलिए इस नाम को आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो आप कहां कहां ध्यान देंगे, अभी तो इसको हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। आप बस ध्यान देंगे कि मेलकंकु और कीलकंकु क्या है, किस साहित्य से रिलेटेड है, तो तमिल साहित्य से रिलेटेड है। हाँ, संगम के बारे में जानकारी कौन देता है, कौन तमिल स्कॉलर है, तो इरैयनार इगप्पुरूल। संगम आयोजित कौन करता था, तो ये पांडे, ये लाल वाला पार्ट जो है पांडे आयोजित करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चेरों को केरल पुत्र भी कहा गया है, चेरा पद भी कहा गया है। ये हम जब चेरों को पढ़ेंगे, पांड्यों को पढ़ेंगे और चोलों को पढ़ेंगे, तो हम वहां पे डिटेल इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तीन संगम हुए, मदुराई में पहला, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा नॉर्दर्न मदुराई में। तो दो मदुराई में हो गया और बीच वाला एक हो गया कपाटपुरम में। ध्यान रखिए, यहां पर अध्यक्ष कौन है, लिखवा चुका हूं, अगस्त ऋषि, ठीक है। अगस्त ऋषि को श्रेय जाता है दक्षिण में आर्यीकरण का, अपने शिष्य कौंडिन्य के साथ मिलकर यह श्रेय जाता है कि उन्होंने दक्षिण में का उन्होंने आर्यीकरण किया, ठीक है। तो यह श्रेय उनको जाता है, अगस्त ऋषि। यहां तोलकापियार अध्यक्ष हैं और यहां नक्कीर हैं अध्यक्ष। यहां के बारे में कोई लिटरेचर नहीं बचा, कहा जाता है यहां इसको साधुओं और देवताओं ने अटेंड किया, कोई नहीं बचा है, कोई लिटरेचर, कोई साहित्य नहीं बचा है। यहां एक साहित्य बचा है तोलकापियम, और जो साहित्य बचा है यही तीसरे संगम का बचा है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इनको देखना शुरू करेंगे, एक बार आप ले स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और शिल्पाधिकारम से हम देखना शुरू करेंगे। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द थ्री एपिक्स, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि। इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी तीन महाकाव्यों को हम देखेंगे। शुरू करते हैं शिल्पाधिकारम से। देखिए, शिल्पाधिकारम, ये इसके राइटर जो हैं इलंगो आदिगल, ध्यान रखिएगा, इलंगो आदिगल जो कि जैन थे। इसे नेशनल पोएम या राष्ट्रीय काव्य कहा जाता है तमिलों का, तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य अगर एग्जाम में आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या जवाब देंगे, शिल्पाधिकारम। ये लव, मैंने बताया ना कि दो तरह के इसमें स्टोरीज मिलेंगे, हाँ, एक तो अहम या अगम जो लव स्टोरी होंगे, ठीक है, और पुरम वार या प्रेज से, यानी कि युद्ध और प्रशंसा से संबंधी होगा, जो कि राजाओं की प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर नेशनल पोएम या राष्ट्रीय काव्य कहा जाएगा तमिलों का, और यह लव स्टोरी है, अहम या अगम टाइप में यह आएगा, ठीक है। स्टोरी क्या है, देखिए, कोवलन, कन्नगी और माधवी की कहानी है, अभी मैं बताऊंगा। और इसका मीनिंग क्या है शिल्पाधिकारम का, पायल या नुपुर की कहानी, नुपुर का मतलब भी पायल ही होता है। तो अब ये समझते हैं, देखिए स्टोरी किसकी है, कोवलन, कन्नगी और माधवी की। तो बेसिकली ये है क्या कि कोवलन जो है कावेरी पट्टन, जो कि चोल साम्राज्य में पड़ता है कावेरी पट्टन, हाँ, वहां का एक व्यापारी है, उसका बेटा है ये कोवलन, ठीक है। उसकी शादी कन्नगी से होती है, ये भी एक व्यापारी की ही बेटी है। तो इन दोनों की शादी होती है, कुछ दिनों तक दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। उसके बाद एक नर्तकी है माधवी, हाँ, जिसके प्रेम जाल में ये कोवलन फंस जाता है, ठीक है, और इग्नोर कर देता है, कन्नगी को छोड़ देता है। लेकिन बाद में माधवी जो है कोवलन को झटका देती है, छोड़ देती है, तो फिर ये
कन्नगी के पास लौटता है, लेकिन कन्नगी बहुत ज़्यादा डिवोटेड है अपने हस्बैंड को लेकर। तो क्या होता है कि कन्नगी अब बहुत स्थिति खराब है, सारा पैसा ये लुटा देता है कोवलन जो है माधवी पर, और जब सारा पैसा लुटा देता है तो माधवी इसको छोड़ देती है। तो बड़े फटेहाल स्थिति में ये फिर कन्नगी के पास पहुंचता है और उसके पास मात्र एक जोड़ी पायल है, ठीक है ना। तो ये कहती है कि चलो तुम पायल ले लो और इसी पायल को बेच के हम दोबारा अपना जीवन शुरू करेंगे, ठीक है। तो वही कोवलन इसके एक जोड़ी जो पायल है उसका एक पायल ये लेके अब ये दोनों पहुंचते हैं मदुरा, जो कि पांडे राज्य में है। ये देखिए ये चोल है ब्लू वाला पार्ट, और पांडे लाल वाला पार्ट, चेर जो है ये केरल वाला पार्ट है जो कि ग्रीन है, यही चेर है। तो ये मदुरा पहुंच जाते हैं पांडे राज्य में, और वहां ये जाता है कोवलन पायल को बेचने के लिए, ठीक है। तो पायल को बेचने के लिए जाता है, और उसी दौरान एक घटना होती है कि मदुरा की रानी का जो एक पायल है वो खो जाता है। तो जो उसके सर्वेंट हैं वो पकड़ के ले जाते हैं कि इसी ने पायल को चुरा लिया है कोवलन ने, और फिर कोवलन को पकड़ के ले जाया जाता है और कोवलन पर मुकदमा चलाया जाता है, ट्रायल होता है और इसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, ठीक है। तब जो है कन्नगी पहुंचती है मदुरा के राजा के दरबार में अपना उसके पास जो उस जो पायल की जोड़ी थी उसका जो एक और उसके पास दूसरा जो जोड़ी उस जोड़ी का एक हिस्सा जो बचा हुआ था पायल को लेके पहुंचती है। तो उस पायल को वो दिखाती है और निर्दोष साबित करती है अपने हस्बैंड को, यानी कि कोवलन को। तब राजा को बड़ी पछतावा होती है और मदुरा का राजा इस पछतावे में ही उसकी डेथ हो जाती है। उसको भी एक झटका लगता है कि मैंने अन्याय कर दिया। उसके बाद ये कहा जाता है कि कन्नगी जो होती है वो पूरे ये मदुरा को उसके गुस्से से पूरा मदुरा जल जाता है। उसके बाद कन्नगी जो है चेर राज पहुंचती है, जहां का प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी राजा जब हम चेरों को पढ़ेंगे सेनगुटवन, तो सेनगुटवन का शासन है, और चेर राज में ही कन्नगी की मृत्यु हो जाती है। उसके सतीत्व को देखकर, अपने हस्बैंड के प्रति डिवोशन को देखकर सेनगुटवन जो है कन्नगी पूजा की शुरुआत कराएगा, ठीक है। कन्नगी पूजा की शुरुआत होगी किसके द्वारा, सेनगुटवन के द्वारा। तो यहां आप लिख सकते हैं, आगे तो मैं लिखवाऊंगा ही, तो कन्नगी पूजा जो है ना ये शुरू करेगा, वहां मैं लिखवा दूंगा, आप ऐसे नोट करिएगा। एक कन्नगी पूजा की शुरुआत सेनगुटवन करवाएगा, जो कि चेर राज्य में कन्नगी की मौत हो जाएगी। तो यही एक कहानी है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, ताकि आपका मतलब कड़ी जुड़ा रहे, आपको पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यही पायल की कहानी है, इसीलिए पायल और नूपुर की कहानी कही गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहानी है किसकी है, स्टोरी कोवलन की, कन्नगी की, माधवी की, और पायल और नूपुर की कहानी है। तो एक लव स्टोरी है ये, ठीक है। और ये कन्नगी पूजा की शुरुआत कौन कराएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं कहीं पे, ठीक है। कन्नगी पूजा की शुरुआत, कन्नगी पूजा, यहां पे कन्नगी पूजा की शुरुआत कराएगा सेनगुटवन। ये एक चेर राजा है, चेर शासक है, सबसे प्रतापी चेर शासक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेनगुटवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में कि किसने कन्नगी पूजा की शुरुआत कराई थी। तो ये चेर राजा कराएगा, यही चेर राज्य में था, इसी यहीं पे कन्नगी की मौत होती है। लेकिन जब हम चेरों को पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं चेरों को, पांड्यों को, चोलों को, तो वहां तो ये मैं लिखवाऊंगा ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां लिख लीजिए कन्नगी पूजा शुरू कराएगा सेनगुटवन, जो कि एक चेर राजा है, सेनगुटवन ध्यान रखिएगा। तो ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद जो है हम देखेंगे, कौन सा हम देखने वाले हैं, दूसरा मणिमेखलई। इसके राइटर है शीतल सरनार, ये बौद्ध थे, ठीक है, ये बौद्ध थे। उसके बाद मणिमेखलई में कुछ ज्यादा नहीं जानना है। देखिए मणिमेखलई जो है ये डॉटर है कोवलन और कन्नगी की, देखिए यहां पर लिख दिया पुत्री है ये कोवलन प्लस कन्नगी की। तो इसमें स्टोरी क्या है, राजकुमार उदयन कुमार हैं और मणिमेखलई जो कि इन दोनों की पुत्री है, इनके प्रणय की कथा है, मतलब मैरिज की कथा होगी, लव स्टोरी होगी। तो उदयन कुमार और मणिमेखलई, मणिमेखलई कौन है, कोवलन प्लस कन्नगी की बेटी है, इन्हीं के प्रणय कथा की कहानी है। अंत में बौद्ध धर्म ग्रहण करेगी कौन, मणिमेखलई। उसके बाद लास्ट यहां पर जीवक चिंतामणि, कुछ नहीं जानना है। राइटर इसके तिरुतक देवर, हाँ, जो कि जैन थे, बस ये आपको राइटर का नाम सबका याद रखना है, ठीक है। और
इसके बारे में क्या है कि एक राजा है, किंग है, जीवक, जीवक चिंतामणि, जीवक राजा के बारे में, जो अपनी 8 रानियों के साथ, 8 क्वींस के साथ रहते हैं और अंत में ये जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कहानी है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ बस आपको शिल्पाधिकारम में कौन राइटर है, मणिमेखले का कौन राइटर है, हाँ, और इसके कौन राइटर हैं, यहाँ पे आपको किसकी कहानी है, मीनिंग क्या है शिल्पाधिकारम का, तो पायल या नूपुर, नूपुर की कहानी, यानी स्टोरी ऑफ पायल और नूपुर, और किसके बारे में स्टोरी है, तो कोवलम, कन्नगी, माधवी, आपको जानना चाहिए। और किस तरह की है, अहम और अगम। कन्नगी पूजा की शुरुआत कौन कराएगा, शेन गुट्टवन, जो कि चेर शासक है, शेन गुट्टवन, यहीं पे चेर राज्य में ही कन्नगी की मौत होती है, तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ये शेन गुट्टवन वाला बनेगा इंपॉर्टेंट, कन्नगी पूजा, और ये स्टोरी किसके बारे में है, शिल्पाधिकारम, मतलब क्या है, और राइटर्स के नाम आप याद रखिए, हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए अब कुछ 2-3 और किताबें हैं, उनको हम देख लेते हैं और उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। और अब हम एपिक्स यानी महाकाव्यों के अलावे देखिए हम कुछ अन्य ग्रंथों को देखेंगे। मैंने पहले भी बताया था, अब आपको महाकाव्यों के अलावा ये अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किल कंकु कौन है या मेल कंकु कौन है, यानी कि 18 मेजर कौन से हैं, यानी जिसे हम मेल कंकु कहते हैं, 18 मेजर या ग्रेटर टेक्स्ट या 18 लेसर या माइनर टेक्स्ट, जिन्हें लघु ग्रंथ कहते हैं, वो हमें अलग अलग करके पढ़ने की जरूरत है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में तिरुकुराल या कुराल, यह हालांकि किल कंकु में है, ठीक है, तिरुकुराल या कुराल, तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में, इसके राइटर जो हैं तिरुवल्लुवर, ठीक है, ये खुद को ब्रह्मा का अवतार, इनकार्नेशन ऑफ ब्रह्मा ये कहते हैं, ये दार्शनिक ग्रंथ है, ठीक है, यानी फिलोसॉफिकल है, त्रिवर्ग की चर्चा है, यानी धर्म अर्थ और काम की चर्चा है, इसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये सवाल आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां का बाइबिल, ध्यान रखिएगा, बाइबिल तमिल साहित्य का, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। इसे लघु वेद भी कहा गया, इसे पंचम वेद यानी फिफ्थ वेद भी कहा गया, 4 वेद हमने पढ़ा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो इन चारों के अलावा जो है ये पंचम वेद इसको कहा गया। तो ये आपके साथ सवाल बनेगा, बाइबिल तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो तिरुकुराल या कुराल को, कुरल भी लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं। लघु वेद क्या है, तो लघु वेद भी इसी को कहते हैं। फिफ्थ वेद या पंचम वेद कौन सा है, तो इसी को कहते हैं। किस तरह का ग्रंथ है, दार्शनिक है। राइटर कौन है, तिरुवल्लुवर है, जो कि खुद को ब्रह्मा का अवतार यानी इनकार्नेशन बताते थे। उसके अलावा तोलका पीएम, देखिए मैंने बताया है कि सेकंड जो संगम हुआ, हाँ, तमिल पोइट्स का जो दूसरा संगम हुआ वो कहाँ, कपाटपुरम में हुआ था, और इसमें सिर्फ एक ही ग्रंथ बचा जो तोलका पीयर ने लिखा था, तोलका पीएम। तोलका पीयर ही सेकंड संगम के अध्यक्ष थे, तो सेकंड संगम का ग्रंथ है क्या है भाई, तो व्याकरण है, यानी कि ग्रामर है अंग्रेजी में कहेंगे। राइटर कौन है, तोलका पीयर, और सूत्र शैली में स्टाइल क्या है, सूत्र शैली, बस इतना ध्यान रखना है। पत्तिन पाले राइटर, रुद्रन कन्नार, ठीक है, ये किस तरह का है, अहम या अगम, प्रेम से संबंधित है, लव से, तो मैंने बताया है प्रेम का क्या है भाई, अहम या अगम। पुरम जो है वार या प्रेत से है। इसमें क्या है कि जो इसको लिखने के लिए महान चोल शासक, हम आगे पढ़ेंगे कोरिकॉल के बारे में, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे सारे डायनेस्टीज को, इन 3 डायनेस्टीज को, अगला वीडियो हमारा यहीं चेर से शुरू होगा, चेर, पांडे और चोलों को, तो जब चोल में पहुंचेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कोरिकॉल के बारे में। तो ये महान चोल शासक जिसने 16,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी रुद्रन कन्नार को, ये लिखने के लिए, समझे ना, 16,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रुद्रन कन्नार को दिया था, 16,00,000 गोल्ड करेंसी, अंग्रेजी वाले लिख ले, हाँ, किसने दिया था, 16,00,000 गोल्ड करेंसी दिया गया, हाँ, टू द रुद्रन कन्नार बाय चोल रूलर कोरिकॉल। और तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये है किसने दिया था भाई 16,00,000 स्वर्ण मुद्रा, ये सवाल बन जाता है, तो कोरिकॉल ने दिया था। किस तरह का ग्रंथ है ये, पत्तिन पाल है, तो आप देख लीजिएगा ये। उसके अलावा परिपादल अभी आपने देखा था 18 मेजर वाले में, तमिल संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ,
एलादी चारों वेदों की चर्चा है एलादी में। तो ये थोड़ा बहुत आप इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट बनता है वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, एपिक्स से बनेगा। और थोड़ा ये तिरुकर्राल को आपको बिल्कुल देखना है, बाइबिल है, लघु वेद है, पंचम वेद है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो से, ये तो हमारा हो गया, और अगले वीडियो से हम चे पाचो यानी कि चेर, पांडे और चोलों को अलग अलग देखेंगे, दो पार्ट में। पहले हम इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेंगे, डिटेल पढ़ लेंगे सबके बारे में। पहले हम चेर के बारे में पढ़ेंगे एक वीडियो में, फिर दूसरे में पांडे को, फिर तीसरे में चोल को, और जब तीनों पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये संगम डायनेस्टी जो भी थी या संगम काल जो था उस समय के सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, रिलीजन के बारे में एक वीडियो हम उस पर करेंगे। तो आपका मेरे ख्याल से तीन और एक चार वीडियो इसमें और बनेगा आपको संगम साहित्य में, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।